नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। राजनीति और मनोरंजन जगत का बहुत पुराना संबंध है। हमेशा से ही देखा गया है कि कई सारे सेलेब्स राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं, तो कई ऐसे राजनेता हैं जो फिल्मी जगत में अपना करियर बनाते हैं। ऐसे में बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 की। चुनाव को लेकर हर तरफ चहल पहल देखने को मिल रही है। इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ये चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक 7 चरणों में होंगे। चुनावों के नतीजे 4 जून को आएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं राजनीति और स्लैब्स की। इस बीच हम आपको बताएंगे उन स्लैब्स और क्रिकेटरों के बारे में जो इस बार लोकसभा चुनाव में शामिल हो रहे हैं। इन सेलिब्रिटीज के फैंस उनको जमकर सपोर्ट भी कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे उन सेलेब्स और क्रिकेटर्स को लेकर जो इस बार लोकसभा चुनाव में शामिल हो रहे हैं। इन सेलिब्रिटीज का फैंस भी जमकर सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे भोजपुरी सिनेमा के बड़े नाम मनोज तिवारी की। सिनेमा जगत में उन्होंने बहुत मेहनत से अपना एक मुकाम हासिल किया और फैंस ने उनको खूब पसंद भी किया। एक कलाकार के तौर पर उनका एक अच्छा खासा नाम है और अब एक राजनेता के तौर पर भी लोग मनोज तिवारी को पसंद करते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में मनोज तिवारी को लेकर जनता के बीच खुशी का माहौल है। 2024 लोकसभा चुनाव होने में अब गिनती के दिन बचे हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अलायंस में शामिल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली की सीटों को लेकर गठबंधन हुआ है। आप ने दिल्ली की 4 सीटों और कांग्रेस ने बाकी 3 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारे हैं। हालांकि चुनाव में मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच होगा। दिल्ली की 7 सीटों पर अभी बीजेपी का कब्जा है। इस बार के चुनाव में क्लीन स्वीप करने के लिए बीजेपी ने मौजूदा 7 सांसदों में से 6 को बदल दिया है। सिर्फ उत्तर पूर्वी दिल्ली से मौजूदा सांसद मनोज तिवारी को रिपीट किया गया है। अब देखना होगा कि आगे क्या होगा। 2024 लोकसभा चुनाव में रवि किशन का नाम भी सामने आया है। रवि किशन भोजपुरी सिनेमा का बड़ा नाम है। उनको भोजपुरी सिनेमा का बिग बी भी कहा जाता है। फैंस रवि किशन को काफी पसंद करते हैं और सोशल मीडिया पर भी रवि किशन के अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। फिल्मी करियर के साथ साथ रवि किशन की अगर बात की जाए तो वो एक राजनेता के तौर में भी बहुत अच्छा करियर उनका देखा जा रहा है और लोग रवि किशन को एक राजनेता के तौर पर पसंद भी करते हैं। भोजपुरी एक्टर रवि किशन गोरखपुर से वर्तमान सांसद हैं। बीजेपी ने उनको एक बार फिर से इसी सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। रवि किशन ने साल 2019 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा था और उन्होंने समाजवादी पार्टी के राम भुआल निषाद को लगभग 60% वोट शेयर के साथ हराया था। गोरखपुर सीट पर 1998 से लेकर 2014 तक बीजेपी का ही कब्जा रहा है। यहां से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। हालांकि 2018 में हुए उपचुनाव में यहां से समाजवादी पार्टी के प्रवीण निषाद ने चुनाव जीता था। इसके बाद 2019 के चुनाव में ये सीट फिर से बीजेपी के कब्जे में चली गई। भारतीय जनता पार्टी ने गोरखपुर लोकसभा सीट पर दूसरी बार अभिनेता सांसद रवि किशन पर भरोसा जताया है। पहली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी सपा के राम भुआल निषाद को 3,01,664 वोटों के भारी अंतर से हराया था। गोरखपुर लोकसभा की सीट सीएम योगी की परंपरागत सीट है। दूसरी बार प्रत्याशी बनाए जाने पर रवि किशन और उनके समर्थकों में खासा जोश है। बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने कई सारी शानदार फिल्में देकर इंडस्ट्री में अपना एक खास मुकाम हासिल किया है। हेमा मालिनी के दीवाने एक्ट्रेस की अदाएं, उनकी खूबसूरती और उनके काम को हमेशा ही पसंद करते हैं। हेमा मालिनी ने फिल्म करियर के साथ साथ राजनीति में भी अपनी अच्छी पकड़ बनाई। लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो मथुरा से बीजेपी की हेमा मालिनी तीसरी बार चुनावी मैदान में है। लोग हेमा को जमकर सपोर्ट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ये चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होकर 25 मई तक 7 चरणों में होंगे। चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। साथ ही आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया गया है। इस दौरान कई सारी सेलिब्रिटीज के नाम सामने आ रहे हैं जो राजनीति में अपना करियर बना रहे हैं। अब खबर आई कि मथुरा से बीजेपी की हेमा मालिनी तीसरी बार चुनावी मैदान में है। इससे पहले वो दो बार यहां से जीत हासिल कर चुकी हैं। 2014 में हेमा मालिनी ने ये सीट
आरएलडी के जैन चौधरी को हराकर जीती थी, तो वहीं 2019 में उन्होंने आरएलडी के कुंवर नरेंद्र सिंह को हराकर ये सीट फिर से अपने नाम की। सिनेमा, नृत्य और सियासत, हर क्षेत्र में प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी हैं हेमा मालिनी। ड्रीम गर्ल के नाम से हिंदी सिनेमा में फेमस हेमा मालिनी को लेकर लोगों के बीच हमेशा से उत्साह रहा है। अभिनेत्री की काबिलियत सिर्फ अभिनय तक सीमित नहीं रही, वो ब्यूटी विद ब्रेन का भी एक उदाहरण है। लोकसभा चुनाव 2024 को अब ज्यादा समय नहीं बचा है। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं और अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही हैं। और इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्रिकेटर यूसुफ पठान पर भरोसा जताया। पार्टी ने बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें क्रिकेटर का नाम भी शामिल है। यूसुफ पठान को राजनीति में जाते देख फैंस के बीच एक अलग ही खुशी का माहौल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस इस चुनाव में क्रिकेटर्स पर भरोसा जता रही है। पार्टी ने बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इसमें 2011 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के सदस्य यूसुफ पठान और 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के खिलाड़ी कीर्ति आजाद के नाम शामिल हैं। यूसुफ को बहरामपुर से टिकट दिया गया है। वो कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कांग्रेस की ओर से इस सीट के लिए उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। वहीं इस सीट से भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर निर्मल कुमार साहा का नाम पहले ही फाइनल कर चुकी है। कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग में बात नहीं बनने के बाद, इंडिया गठबंधन से अलग होने के बाद, ममता ने बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इससे पहले खबर आई थी कि पूर्व भारतीय कप्तान और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष सौरव गांगुली टीएमसी के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन टीएमसी द्वारा जारी लिस्ट में गांगुली का नाम नहीं है। चलिए बात करते हैं एक और भोजपुरी सिनेमा के बड़े चेहरे की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पवन सिंह की। पवन सिंह भी 2024 लोकसभा चुनाव का हिस्सा होंगे या नहीं, इसको लेकर अभी कुछ क्लियर नहीं है। हालांकि पवन सिंह ने राजनीति करियर को लेकर अपना बयान दिया और उसके बाद बहुत कुछ देखने और सुनने को मिला। लोगों ने कई सारे सवाल भी किए, परंतु एक्टर ने बहुत ही शानदार तरीके से पलटी मारी। एक्टर ने ये तो कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे, पर ये क्लियर नहीं किया कि वो चुनाव कहां से लड़ेंगे। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को बीजेपी ने अपनी पहली कैंडिडेट लिस्ट में जगह देते हुए उन्हें पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से उम्मीदवार घोषित किया। हालांकि लिस्ट आने के दूसरे दिन ही पवन सिंह ने निजी वजहों से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। इसके बाद उन्होंने फिर से 13 मार्च को एक्स पर पोस्ट करते हुए यहां से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, जहां उनका सामना बॉलीवुड एक्टर और टीएमसी कैंडिडेट शत्रुघ्न सिन्हा से होगा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से भाजपा के टिकट पर चुनाव न लड़ने के ऐलान के कुछ दिन बाद ही पवन सिंह ने पलटी मारी। भोजपुरी एक्टर ने बुधवार को अपने एक्स अकाउंट से एक पोस्ट में ऐलान किया कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक पवन सिंह भले ही आसनसोल से टिकट मिलने से खुश थे, लेकिन उनकी पहली पसंद आरा थी। भाजपा सूत्रों के मुताबिक एक बार इस संबंध में पवन सिंह भाजपा के एक वरिष्ठ नेता से भी मिले थे ताकि उनको आरा से टिकट दिया जाए, लेकिन भाजपा ने आरा से उनको टिकट नहीं दिया। बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा वर्तमान समय में राजनीति में लगातार एक्टिव है। वो राजनीति में अपनी खास दिलचस्पी रखते हैं और हमेशा ही किसी ना किसी बयान को लेकर खबरों में बने रहते हैं, और कई बार एक्टर अपने बयान को लेकर विवादों में भी आ जाते हैं, परंतु वो बहुत ही बिंदास अंदाज से अपनी बात रखते हैं। वहीं बात 2024 लोकसभा चुनाव की करें तो एक्टर फिर से चुनाव में उतरेंगे और इसको लेकर वो बहुत पहले ही बात कर चुके हैं। कई सारी शानदार फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जादू बिखेरने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा तृणमूल कांग्रेस की ओर से 2022 में हुए लोकसभा उपचुनाव में आसनसोल सीट से जीतकर संसद पहुंचे। यहां से पहले बीजेपी की ओर से बाबुल सुप्रियो सांसद थे। उन्होंने बीजेपी छोड़ टीएमसी ज्वाइन कर ली थी, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। यहाँ उपचुनाव हुए थे। शत्रुघ्न सिन्हा इसके पहले बीजेपी से जुड़े थे, बाद में उन्होंने कांग्रेस और फिर टीएमसी में अपनी हिस्सेदारी दिखाई। टीएमसी ने 2024 लोकसभा चुनाव में फिर से उन्हें इस सीट पर उतारा है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को प्रदेश की सभी 42 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की। इसमें बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी शामिल था। शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी की तरफ से आसनसोल से चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में एक्ट्रेस शिवानी घोष भी शामिल हो रही। डीएमसी की तरफ से इस बार पश्चिम बंगाल के जादवपुर सीट से एक्ट्रेस यानी घोष को मौका दिया गया।
इस सीट से 2019 में मिमी चक्रवर्ती सांसद थी, लेकिन उन्होंने पार्टी के साथ नाखुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा 15 फरवरी को सौंप दिया था। अब ये देखना होगा कि फैंस एक्ट्रेस को कितना सपोर्ट करते हैं। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को प्रदेश की सभी 42 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की। इस सूची में टीएमसी ने बिहार के चेहरों पर विश्वास जताया है। इस लिस्ट में जानी मानी एक्ट्रेस सयानी घोष का भी नाम शामिल है। टीएमसी की तरफ से इस बार पश्चिम बंगाल के जादवपुर सीट से एक्ट्रेस सयानी घोष को मौका दिया गया है। इस सीट से 2019 में मिमी चक्रवर्ती सांसद थी। हालांकि उन्होंने पार्टी के साथ नाखुशी जाहिर करते हुए सीएम ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा 15 फरवरी को सौंप दिया। सयानी घोष बंगाली फिल्मों और टीवी का जाना माना चेहरा है। सयानी के सोशल मीडिया अकाउंट से साल 2015 में शिवलिंग से जुड़ी विवादित पोस्ट के बाद उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि उनका अकाउंट हैक हो गया था और वो पोस्ट डिलीट कर दी गई है। भोजपुरी सिनेमा का जाना माना चेहरा निरहुआ अब फिल्मों के साथ साथ राजनीति में भी आपको नजर आएंगे। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम और आजमगढ़ से वर्तमान सांसद दिनेश लाल यादव पर बीजेपी ने इस बार फिर से भरोसा जताया है और उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया है। फैंस अपने पसंदीदा एक्टर को जमकर सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी जीत की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम और आजमगढ़ में वर्तमान सांसद दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ पर बीजेपी ने इस बार फिर से इसी सीट से चुनावी मैदान में भरोसा जताया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उनका सामना उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उपचुनाव में उन्होंने सपा के धर्मेंद्र यादव को हराकर ये सीट अपने नाम कर ली थी। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही समाजवादी पार्टी एक्टिव हो गई है। चुनाव को लेकर पार्टी ने 16 मार्च को उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में सपा ने आजमगढ़ सीट से धर्मेंद्र यादव को ही प्रत्याशी बनाया। आजमगढ़ से छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होगी। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी से सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ फिर से मैदान में हैं। ऐसे में यहां कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। यादव और मुस्लिम बहुल इस सीट पर मायावती की चाल क्या होगी, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। 2024 लोकसभा चुनावों से पहले तमिलनाडु में सत्ताधारी पार्टी डीएमके ने बड़ा दांव खेला। डीएमके ने राज्य में अपनी बढ़त बरकरार रखने के लिए अभिनेता कमल हसन की अगुवाई वाली मक्कल निधि मयम से गठबंधन किया। कमल हसन ने 6 साल पहले ही ये पार्टी बनाई थी। समझौते के तहत राज्य में कमल हसन की पार्टी लोकसभा चुनाव में डीएमके की अगुवाई वाली इंडिया अलायंस का समर्थन करेगी और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि डीएमके अगले साल 2025 में कमल हसन को समर्थन के बदले में राज्यसभा भेज देगी। कमल हसन भी इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हालांकि वो डीएमके की अगुवाई वाले गठबंधन के लिए प्रचार जरूर करेंगे। पहले माना जा रहा था कि डीएमके के साथ हुई बैठक में उनकी पार्टी को गठबंधन की तरफ से कुछ लोकसभा सीटें दी जा सकती हैं। हालांकि पार्टी को 2025 राज्यसभा चुनाव में एक सीट दी गई है। ये डील कमल हसन और मुख्यमंत्री स्टालिन के बीच चेन्नई स्थित डीएमके हेडक्वार्टर में हुई मीटिंग के बाद फाइनल हुई। इस बात से भी कोई अनजान नहीं है कि कमल हसन साउथ के उन कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने हमेशा ही अपने काम से, अपनी फिल्मों से दर्शकों का जमकर मनोरंजन किया है। और आज के वक्त में कमल हसन एक ऐसे सुपरस्टार बन चुके हैं कि फैंस को उनकी फिल्मों के रिलीज का हमेशा ही इंतजार रहता है। ऐसे में उनके प्रचार का कुछ फायदा डीएमके को मिल सकता है। इसके अलावा मशहूर सिंगर अनुराधा पौडवाल ने इलेक्शन कमीशन की तारीखों के ऐलान से कुछ देर पहले ही बीजेपी ज्वाइन की। हालांकि वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन ये साफ है कि बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर फायदेमंद साबित हो सकती हैं। वहीं कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनको लेकर सस्पेंस है, जैसे महाराष्ट्र की अमरावती से मौजूदा और निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के भी बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने इस सीट से किसी को भी टिकट नहीं दिया है। तो हमने देखा कि किस तरह से बीजेपी ही नहीं, अलग अलग पार्टीज ने इस बार लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के तौर पर एक्ट्रेस पर भरोसा जताया। तो इस तरह कई सारे सितारे और क्रिकेटर राजनीति में शामिल होकर लोकसभा चुनाव 2024 का हिस्सा बन रहे हैं।
अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इन सितारों की राजनीति में जाने के बाद वहां पर चमक कितनी तेज होती है। इस खास पेशकश में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।